हाँ मित्रों मित्रों नमस्कार। सुभाष देवरिया, शायद दीपेश भाई आ गए हैं। दीपेश भाई, अब मुझे बताएंगे कि मेरी वॉइस मिल पा रही है आपको? दीपेश राठौर जी, विजय दिया जी, यशपाल माने जी, हमका टेक्निकल, मुझे बता पाएंगे आवाज़ मिल पा रही है? यस थोड़ा बोल देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम एक स्पेशल माइक अरेंज किया है। ओके फाइन, थैंक यू। मैं दो तीन चीज के ऊपर डिस्कस करूंगा आज के डेट में, कि हम लोग काफ़ी टाइम से डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग वर्किंग करेंगे, किस तरीके से प्लानिंग करेंगे। मैं क्वेश्चन लूंगा आप सब लोगों के, फेसबुक पे भी हमने शेयर किया है हमारा लिंक, और काफी लोग आ चुके हैं, थोड़े से कुछ लोग और आ जाएं तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि बहुत दिन के बाद मैं लाइव आया हूं, क्योंकि मैं वर्किंग थोड़ा सा इंटरनली काफी कर रहा था, जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था, और मेरे पास में कुछ पॉइंट्स नहीं थे, क्योंकि हम वेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के लिए। लेकिन किसी भी कारण से हमारा जो क्रिप्टो करेंसी का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई सेकेंड वीक के लिए रखा, क्योंकि इलेक्शंस आ गए थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वो लोग, और जज ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो सो आई थिंक अपने डिस्कस करते हैं तीन चार पॉइंट के ऊपर। नंबर वन, कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। टोकन सिस्टम जो है काफ़ी पॉपुलर होने वाले हैं, नंबर वन। नंबर टू, कि हम लोग जो इतने टाइम से फाइट कर रहे हैं, ये इसलिए फाइट कर रहे हैं कि एक बार इंडिया में कानून आए, एक लॉ बने। जैसे मैंने कहा था, मैं मेरे बारे में थोड़ा बताता हूँ उन लोगों को, कि जब मैंने प्रीपेड कैश कार्ड लॉन्च किया था 2002 में, तो उस टाइम लॉ नहीं था, और हमने प्रीपेड कैश कार्ड लॉन्च किया, और लॉन्च करने के बाद सक्सेसफुल रन हुआ, और रन होने के बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कानून बनाया और गाइडलाइन लॉन्च की, और गाइडलाइन लॉन्च करने के बाद में ये पोजीशन आया कि आज तक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है रिजर्व बैंक का, वो वर्किंग के अंदर है। तो होप कि क्रिप्टो करेंसी में वैसे ही होगा, कि हम लोग फाइट कर रहे हैं और लॉ बनेगा इसका। नंबर टू, कि जो टोकन सिस्टम है, आज आपने देखा होगा टाइम्स ऑफ, कल यस्टरडे, कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट आया था CRED क्रिड का। और ये क्रिड कौन है? ये कुणाल शाह है, जिन्होंने फ्री रिचार्ज लॉन्च किया था। वो लोग क्रिड कॉइन के साथ उन्होंने टाई अप किया, या हो सकता है उनका कॉइन हो, और वो लोग बिल पेमेंट के ऊपर रिवार्ड पॉइंट्स अरेंज कर रहे हैं, रिवार्ड पॉइंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो रिवार्ड पॉइंट्स ऐसे हैं कि आप क्रिप्टो से, मतलब कोई भी क्रिप्टो से रिवार्ड पॉइंट आप ले सकते हैं, और रिवार्ड पॉइंट को यूज कर सकते हैं पब्लिकली, फॉर एग्जांपल शॉपिंग के लिए, बिल पेमेंट के लिए, मोबाइल रिचार्ज के लिए, रेलवे टिकट के लिए, उन सब चीज़ के लिए। तो मेरा जो मानना है इन सब चीज़ों के लिए, कि हम लोग उसी तरीके से, कि हमने टेक्निकली बहुत अपने लॉयर से डिस्कस किया कि हम लोग किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं आफ्टर SC ऑर्डर डिले, कि भाई डिले हो चुका है, हमारे यूजर्स को कैसे फायदा करें, किस तरह से प्लानिंग करें। और मुझे वो लगता है कि हम लोग अब उस स्थिति के अंदर हैं कि हम ATC कॉइन अथवा कोई भी क्रिप्टो करेंसी कॉइन है जिसको हम रिवार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं एज ए रिवार्ड पॉइंट, और रिवार्ड पॉइंट करने के बाद में हम उसको यूज करने लिए दे सकते हैं पब्लिकली, कि उसमें मोबाइल रिचार्ज हो, रेलवे टिकट हो, एयर टिकट हो, वो सब यूज कर सकते हैं। ये तो हमारा रहा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि हम लोग उस तरीके से लोगों को, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, उनको हम लोग रिवार्ड पॉइंट्स के हिसाब से उस कॉइन को यूज करने की परमिशन दें, कि वो यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, सबसे बड़ी जो चीज है, पारो एक्सचेंज। बेसिकली मैंने बताया था कि ये जो पारो एक्सचेंज है, ये हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और इसमें अभी तो सेंट्रलाइज है, बट डिसेंट्रलाइज का कंप्लीट फॉर्म हो चुका है, कि उसके अंदर आप अपनी असेट्स रख सकते हैं, और असेट्स रखने के बाद में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि जो भी ATC की वैल्यू बढ़ाने के लिए हम लोग वर्किंग किए हैं, कि आप जो फीस पे करेंगे
लिस्टिंग फीस है, ट्रांजेक्शन फीस है, अदर फीस है, वो एटीसी में पे करेंगे, और जब एटीसी में पे करेंगे तो उससे एटीसी की वैल्यू बढ़ेगी। तो सो आई थिंक एटीसी में हमारा पेमेंट वो चालू हो चुका है, ट्रांजेक्शन फीस का वो वर्किंग मोड में है और अच्छी ट्रांजेक्शन हो रही है डे बाई डे, तो सब लोग उसके ऊपर वर्क करें। दूसरा रेफर प्रोग्राम हमने उसमें लाइव किया है कि आप रेफर कर सकते हैं, उसमें भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कम्युनिटी इंक्रीज कर सकते हैं और उसमें बेनिफिट मिलेगा। सेकेंडली जो सबसे बड़ा हमारा एक लॉन्च होने जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग, कि पारो एक्सचेंज के अंदर मार्जिन ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने किया है, जिसके अंदर हर आदमी, हर कस्टमर्स, हर मेंबर्स हमारा मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर वर्किंग कर सकता है। मींस जो भी आपके पास में बैलेंस है उस बैलेंस के ऊपर आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो इस वीकेंड तक हम लोग लाइव करेंगे। तो सो आई थिंक बहुत बड़ा तीन चीज हम लोग करने जा रहे हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि मैं वेट कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, उसमें क्या डिसीजंस आते हैं, किस तरीके से पेंडिंग है। अभी चार महीने के लिए, साढ़े तीन चार महीने के लिए पेंडिंग गया है, तो हमें उसी हिसाब से वर्किंग करना पड़ेगा। तो मैं अभी क्वेश्चन ले सकता हूँ और काफी लोग हैं, मे बी पॉसिबल, क्योंकि जिस तरीके की परेशानियों से मैं गुजरा हूँ, जिस तरीके की मैं फाइटिंग कर रहा हूँ, उसमें हर तरह के लोग मेरे साथ में हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, क्योंकि मैं गांधीवादी नीति के ऊपर हूँ और उसी तरीके से मैं वर्क करता हूँ कि मुझे मेरा एक अचीवमेंट लेना है, मेरे कस्टमर्स को, मेरे जो भी मेरे होल्डर्स हैं उनको मुझे अच्छा बेनिफिट देना है, और उसी हिसाब से हम वर्किंग करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ। एसपी सर कह रहे हैं कैम छो, जयप्रकाश जी एटीसी बेकार है। जयप्रकाश जी एटीसी बेकार नहीं है, एटीसी सबको अच्छा बेनिफिट दे रहा है, जिस तरीके से शायद सो आई थिंक जितना मैं कहता हूँ कि जितना फाइट मैंने आज तक किया है वो एटीसी के लिए किया है। आप सब लोग फाइट कर रहे हैं एटीसी के लिए कर रहे हैं, और एटीसी ने इंडिया के अंदर एक नया मुकाम दिया है कि एटीसी क्या है और क्रिप्टो करेंसी क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी क्या है। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी कोई कॉइन लॉन्च होता है या कोई भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, तो उसका एक सिस्टम होता है कि हम लोग कितने टाइम के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि शेयर बाजार के अंदर आप प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं कि मुझे इतना पैसा रेज करना है, उस रेज करने के लिए मुझे इतना पैसा मार्केटिंग में खर्च करना है, इतना लैंड के पर खर्च करना है, इतना डेवलपमेंट पर खर्च करना है, इतना टेक्नोलॉजी खर्च करना है, वो सारी चीज होती है। लेकिन किसी भी कारण से, जैसे कहा था कि बॉम्बे ईओडब्ल्यू मेरे ऊपर कंप्लेंट हुआ, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ, फिर भी मैं पिछले डेढ़ साल से आप सब लोगों को सर्विस दे रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं उस क्लैरिफिकेशन को दूर करूंगा, और दूर करने के बाद में हम उस पर वर्क करेंगे, क्योंकि जितना प्रोजेक्टेड वर्क के लिए मैंने फंड कलेक्ट किया था वो सब फंड कलेक्ट ब्लॉक पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उतना मेहनत कर रहा हूँ कि जितना आप सब लोगों को सर्विस दे चुकूँ, और वो मैं कर रहा हूँ। सर अरुण जी कह रहे हैं, मिस्टर सर वजीरेक्स के बाद में आया और सक्सेस हो गया, लेकिन आपका दो साल से डेड है, इसका क्या रिप्लाई है? मैं आपका रिप्लाई दूंगा, मैं रेंडमली ले रहा हूँ सब लोगों क्वेश्चन कि शायद वजीरेक्स, शायद नहीं, वजीरेक्स एक एक्सचेंज है। हम लोग एक्सचेंज, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से एक चीज रही है कि मैं डिपेंडेंसी जो है वो नहीं रखता हूँ किसी के ऊपर। मैंने कॉइन लॉन्च किया, मैंने एक्सचेंज लॉन्च किया, और इत्फाक से हम बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हमारे पीछे पड़ गई जिनको शायद नहीं फाया, और जिन्होंने कंप्लेंट्स किया कि ये गलत कर रहे हैं या इस तरह से कर रहे हैं, और एफआईआर करी मेरे ऊपर। एफआईआर करने के बाद में मैंने कोर्ट को बताया कि इस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा मॉडल है। इत्फाक से जस्टिस बी एन श्री कृष्णा है जिन्होंने, मैंने ओपिनियन लिया कि शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मैंने सारी पूरी कहानी उनको बताई, उन्होंने मुझे ओपिनियन दिया और ओपिनियन ने मुझे क्लीन चिट दिया कि जो आपका प्रोजेक्ट है बहुत क्लियर है, बट हाँ आप एडवांस चलते हैं इसलिए थोड़ा सा तकलीफ आएगी आएगी, और वो तकलीफ मैं सहन कर रहा हूँ, इसलिए मैं डिले हूँ, बट मैं डिले कभी नहीं होता हूँ, पर थोड़ा सा तकलीफ है उसको सॉर्ट आउट करूंगा, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो एफआईआर हुई और जो तकलीफ आई उसमें जो फंड ब्लॉक हुए, जो फंड मैंने डेवलपमेंट के लिए लगाए थे कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, वो सारा फंड ब्लॉक हो गया। फिर भी
मैं कुछ भी करके ऑफिस रन कर रहा हूँ, सिस्टम रन कर रहा हूँ और आगे तक बढ़ाते रहेंगे। बट नाव पारो एक्सचेंज बहुत स्मूथ चल रहा है और अच्छी पोजिशन में है और रेफर प्रोग्राम उसके अंदर लाइव कर चुके हैं और आगे बढ़ेंगे और अच्छी पोजिशन पर लेके आएंगे। मैं और कुछ लेके सकता हूँ। हितेश भाई कह रहे हैं कि पारो डिसेंट्रलाइज है क्या? हितेश भाई राइट टर्म सेंट्रलाइज है बट हमने मूव कर दिया है उसको, शायद बहुत जल्दी वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। रावत उत्तराखंडी कह रहे हैं कि 5000 का लॉस हुआ है। रावत जी, सो आई थिंक सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने कोशिश किया है कि सबके जो भी मार्केट डाउन हुई है या हुई है सबको एयर ड्रॉप देने की कोशिश की है उनके लॉस कवर करने के लिए। तो आप लॉगिन करें और क्रिप्टो इनबॉक्स को, और उसमें भी आपको एयर ड्रॉप में जो कॉइन मिले हैं वो आपके लॉस कवर करने के लिए हैं, उनको ट्रेड करें, पारो के ऊपर करें, ट्रेड संतोषी के ऊपर करें, दूसरे एक्सचेंज के ऊपर करें, तो शायद काफी बेनिफिट आपको उसको मिलेगा। फिर भी मैं तत्पर हूँ आप सब लोगों के लिए कि जो भी लॉस होगा मैं कोशिश करूंगा काइंड में किसी भी तरीके से आपको रिकवर करके दूं। अनिल सागवान जी कह रहे हैं कि पारो लोग प्रॉब्लम काफी है। सागवान जी, एक्चुअल में रियल फैक्ट बात तो ये है कि जब हमने ये एक्सचेंज लॉन्च किया इसके अंदर नई एप्लीकेशन लेके आए तो छोटी मोटी परेशानी है, जब तक आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे उस पर वर्किंग नहीं करेंगे तो हमको नहीं मालूम पड़ेगा कि क्या बग्स आ रही हैं। हमारी तरफ से हमने कंप्लीट किया है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे वो बग्स निकलें, तो आप सपोर्ट करेंगे तो मैं बग्स निकालने की कोशिश करूंगा। क्रिप्टो इनबॉक्स मनी कह रहे हैं कि आपके एक्सचेंज बहुत बेकार हैं। सो आई थिंक हमारी कोशिश है कि हम अच्छी सर्विस देना चाहें, अच्छी टेक्नोलॉजी देना चाहें, लेकिन फिर मैंने कहा कि जितनी हमारे पास मनी होती है उस मनी के हिसाब से हम डेवलप कर रहे हैं, अरेंज करते हैं, तो उस हिसाब से वर्कआउट करते हैं। गोरखनाथ जी कह रहे हैं कि मेरी आईडी ओपन नहीं हो पा रही है, इट इज प्लीज ओपन माई आईडी। गोरखनाथ जी प्लीज आप कॉल सेंटर में कॉल कीजिएगा और टिकट क्रिएट कीजिएगा, सो आई थिंक 100% आपको आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। टेक्निकल अनुराग जी कहते हैं एयर ड्रॉप से 5000 के कॉइन 500 भी नहीं निकले। अनुराग जी आप, हो सकता है कि आप मुझे आप दीजिएगा आपका आईडी पर्सनली, तो सो आई थिंक मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इस समस्या को सॉर्ट आउट कर सकूं। मैं सबके क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि आप काफी दिन के बाद मैं लाइव आया हूं तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। ज्ञान प्रकाश जी कह रहे हैं कि टीएस पे अरिस्टो बाय किया था 3.70 पैसे में, अभी 1,00,000 कैसे कवर होगा? सो आई थिंक ज्ञान प्रकाश जी ये थोड़ा टाइम की बात है, जो जैसे जैसे हमारी सर्विसेज स्मूथ होंगी, जैसे जैसे हमारे नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे इसके ऊपर और हम लोग काफी वर्क कर रहे हैं, तो श्योर 100% है मार्केट थोड़ा बढ़ेगी। मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी एटीशियन है, जो भी हमारे क्रिप्टो लवर हैं, जितने भी क्रिप्टो प्रेमी हैं, वो थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में कुछ अच्छा करें जिससे सरकार भी, गवर्नमेंट भी और मार्केट भी अच्छा इसको रेस्पॉन्स दे। ऑनलाइन अर्निंग बिजनेस, वो कह रहे हैं गोलमाल है भाई, गोलमाल है। अरे भाई साहब, अगर गोलमाल होता तो सुभाष बैंकॉक से वापस इंडिया नहीं आता, और सुभाष सिर्फ इज्जत के लिए मरता है। और मेरी अगर एक गाना है ना, दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए, भाई साहब मैं जिंदगी में इज्जत के लिए काम करता हूँ, सोसाइटी के लिए काम करता हूँ, और सो आई थिंक वक्त है। कभी कभी क्या होता है कि कोई कुछ भी कहता है, कैसे भी कहता है, आपका हक है, आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा एक टारगेट है कि मुझे इस क्रिप्टो करेंसी के बाजार को बहुत स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि मुझे लगता है और वर्ल्ड वाइड ये पोजीशन है कि ये इंडस्ट्री बहुत डेवलप करेगी। बस हाँ, ये थोड़ा सा इसको सही ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, तो ये अच्छी इंडस्ट्रीज है। आर के फैंस आप कहते हैं रिमेनिंग एयर ड्रॉप के कॉइन अदर एक्सचेंज पे लिस्ट क्यों नहीं यूजर्स को ज्यादा? बेसिकली आर के जी, मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक सब लोगों से रिक्वेस्ट है और अपील भी है कि मेरे पास में मैं लिमिटेड फंड ऑर्गेनाइज करता हूँ, जिसकी वजह से ऑफिस को रन करना, होस्टिंग करना, सर्वर को रन करना, दूसरी सर्विसेज को रन करना, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वो होती है, सेकंड प्रायोरिटी ये है। तो जैसे ही मेरे अकाउंट्स ओपन होंगे
जैसे मैंने कहा था कि एटीसी का जो मैंने सेल किए थे, और वो एटीसी जो सेल किया उसका जो फंड आया वो उस डेवलपमेंट के लिए आया था, लेकिन किसी कारण से वो ब्लॉक हो गए। तो जैसे ही वो फंड रिलीज होंगे सारा पैसा एटीसी के लिए लगेगा और एटीसी फिर उसी भूमि के ऊपर पहुंचेगा। बट कहते हैं ना फाइटर, मैं फाइटर हूँ लाइफ का और मैं फाइट करूंगा और कर रहा हूँ। आप सब लोग मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, सब साथ दे रहे हैं और फिर उसी पोजिशन पहुंचेंगे। लेकिन ये फैक्ट बात है कि काफी चीजें हैं जिससे अच्छा माहौल बनेगा और कोशिश करेंगे। विजय दहिया जी कह रहे हैं सदैव, विजय जी 100% आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मैंने देखा है कि हर मामले में आपने मुझे सपोर्ट किया है, थैंक यू, थैंक्स लॉट। अनुराग जी कह रहे हैं कि लिस्ट एटीसी अदर एक्सचेंज, अनुराग जी मैंने जैसे बताया था कि कुछ तकलीफें हैं लिस्ट कराने की, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास फंड्स आते हैं मैं वैसे वैसे नए नए एक्सचेंज के ऊपर प्लानिंग करता हूं। लेकिन उसके लिए मैंने और बहुत से तरीके कि हाउ टू यूजेस एटीसी कॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी, कि हम लोग एक रिवार्ड प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं जो बहुत जल्दी आपको मार्केट में आएगा, जो टेक्निकली बेसिकली हम टेक्निकली कैसे वर्क कर सकते हैं इंडिया के अंदर, कैसे हमारे यूजर्स को हम अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं, वो सब प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत जल्दी उस चीज के ऊपर हम लोग प्लानिंग करेंगे और अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। आप मतलब भरोसा रखेंगे मेरे के ऊपर, मैं बहुत अच्छा करूंगा। शायद उतने ज्यादा क्वेश्चन है, मैं नहीं रीड कर पा रहा हूँ बहुत फास्ट। धीरज दहिया जी कह रहे सर जी अरिस्टो 600 में लिया था और अभी 1 रुपया है। दहिया जी आप वेट कीजिएगा, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। बस टेक्निकली थोड़ा सा, क्योंकि अरिस्टो की क्वांटिटी बहुत कम है और ईथर स्कैन के ऊपर है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है थोड़ा सा हमें ट्रस्ट लेवल बढ़ाना पड़ेगा मार्केट का। हमें अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अब प्रोजेक्ट के ऊपर क्यों नहीं वर्क हो पा रहा था, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि जो आप समझ सकते हैं कि जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि मैंने जैसे मेरी कम्युनिटी को सब कुछ दिया है और कम्युनिटी मुझे सब बहुत कुछ दिया है और मैं कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ, और ऐसी स्थिति में दिन रात मेहनत करके आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं आपका ट्रस्ट कभी लूज नहीं होने दूंगा। तो आप वेट कीजिएगा, वक्त आएगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उमेश जोशी कह रहे हैं कि अरिस्टो सीएमसी पे नहीं आ पाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने काफी बार रिक्वेस्ट डाला है कॉइन मार्केट कैप जो है, और डालने के बाद में वो उनके कुछ क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया मीन्स 2-3 एक्सचेंज के ऊपर वैल्यू उसकी ट्रेडिंग होनी चाहिए, रेगुलर ट्रेडिंग होनी चाहिए, वो सारी सारी चीज वो देखते हैं। लेकिन हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, वो सिर्फ एक एक्सचेंज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वॉल्यूम नहीं बन पाती है, कभी वॉल्यूम माइनस हो जाती है तो कभी प्लस हो जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग ट्रेड करें, रेगुलर ट्रेड करें 2-3 एक्सचेंज के ऊपर कम से कम, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। अनुराग जी कह रहे हैं टेक्निक बेस बनाओ एटीसी का। अनुराग जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रियल में फैक्ट बात तो यह है कि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं बेस बनाने के लिए और अच्छा बेस बन रहा है, मतलब बेस भी काफी अच्छा बन रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर और ग्लोबली आप देखेंगे रैंकिंग बहुत अच्छी बनती चली जा रही है, डे बाय डे अच्छा रैंकिंग भी बन रही है, आप गूगल में जाएं। बट वही मैंने बताया था कि मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस किस चीज के लिए है, कि फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफिस को रन करना, सर्विस को बराबर प्रोवाइड करना, ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। जैसे ही मेरे फंड रिलीज होते हैं तो जैसे मेरा व्हाइट पेपर बोलता है उसी व्हाइट पेपर के हिसाब से वो फंड्स को मैं इसी डेवलपमेंट में लगाऊंगा, और बहुत जल्दी हम लोग सोच रहे हैं उसका सॉल्यूशन निकल जाए। शायद बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो मेरे हिसाब से मुख्तार हारसी जी कह रहे हैं कि ओहो कैसे फीस कम कीजिएगा। मुख्तार जी 100% में ओहो कैश की फीस को कम करने की कोशिश करूंगा, मैं अपने टेक्निकल टीम से बात कर लेता हूं और वीकेंड तक शायद उसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल देंगे। पंजाबी सो कह रहे हैं कि वजीर एक्स, पंजाबी सो जी ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट डाल दी है और 2-3 बार डाली है, लेकिन पोजीशन क्या है कि कुछ टेक्निकल रीजन उनके साथ हो सकते हैं, क्योंकि एफआईआर हुई थी,
हम कोर्ट तक भी गए, ओपिनियन भी लिया, तो शायद वो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि कम्युनिटी को देखते हुए, इंडिया की कम्युनिटी को देखते हुए, क्योंकि एक्सचेंज के अंदर हम कमज़ोर हैं और जो ATC कॉइन है वो कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उसको रजिस्ट करें, तो जिससे कम्युनिटी को फायदा हो, एक्सचेंज को फायदा हो और सब लोगों को बेनिफिट मिले उस चीज का। पंजाबी शो कहते हैं जी ओहो कैश की लिमिट को उठाओ, ये फैक्ट बात है कि हम बहुत जल्दी ओहो कैश की लिमिट को अनलिमिटेड करने जा रहे हैं कि कितना भी आप विड्रॉल करें, कितना भी ट्रेडिंग करें, बस जैसे मैंने बताया था कि हमारी जो टेक्निकल टीम है वो अभी पारों पे काम कर रही है, जैसे उसका काम फिनिश होता है तो तुरंत उसके ऊपर वर्क किया जाएगा, बहुत जल्दी हम लोग उसको हटा देंगे। दीपक पांडे जी कह रहे हैं कि ओहो कैसे मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों है। दीपक जी आप अपने अकाउंट को टिकट क्रिएट कर दीजिएगा, वो आपको रीजन बता देंगे और ओपन कर देंगे। पूरन मीना जी कह रहे हैं सर आप ATC में फोकस करो, हम आपके साथ हैं, ATC ऊपर ले जाने की कोशिश करें। पूरन जी 100% पूरी कम्युनिटी ATC के साथ में है और आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर अगर काम करते हैं और कर भी रहे हैं तो 100% ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि इतनी सारी परेशानियों के बाद भी फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको आगे लाने के लिए और आप सब लोग भी कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी अच्छी पोजिशन पर आएगा। बट ये है टाइम तो थोड़ा लग रहा है, तो इसको मुझे आप परमिट कीजिएगा। चिराग वन कह रहे हैं जी सब कुछ बंद कर दो। चिराग भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता है मैं बंद कर दूं, मैं फाइटर हूं और फाइट करता रहूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता हूं, क्योंकि हर हार के आगे जीत होती है। जिंदगी के अंदर कभी हारना नहीं चाहिए और मेरा एक असूल है कि मैं जिंदगी के अंदर फाइटिंग करना मेरा वो है, मैं फाइट करता हूं और ये भी फैक्ट बात है कि मैं इसको कामयाब करके बताऊंगा। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इंडिया के अंदर LPG बॉटलिंग प्लांट, फिर रेलवे का E-टिकटिंग इंडिया के अंदर लॉन्च करना, तो मैं दूर की सोचता हूँ कि कल क्या होगा, लेकिन जब दूर की सोचते हैं तो आज की परेशानी आती है, तो दूर की सोचने के लिए मैं तैयार हूँ और मैं सोच भी रहा हूँ, तो शायद सो आई थिंक मुझे मालूम है कि दूर की सोचने में परेशानी आती है, हम परेशानियों का सामना करेंगे, उसको वर्कआउट करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। सो आई थिंक काफी क्वेश्चंस लोगों के हो गए हैं। चिरागवन जी कह रहे हैं कि आपकी बात सुनने में अच्छी लगती है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। बहुत अच्छी बात कही चिराग भाई, क्योंकि मैं 100% आप एक चीज मुझे बताएं, एक जब आप ट्रेवल करते हैं फ्लाइट के अंदर और ट्रेवल करने के बाद अनाउंसमेंट होता है कि अगर फ्लाइट के अंदर ऑक्सीजन कमी हो तो पहले बच्चों को ऑक्सीजन लगाने से पहले अपने आप को ऑक्सीजन लगाएं, क्योंकि अगर हम मजबूत रहे तो हमारे बच्चे मजबूत रहेंगे, हम लोग उनको संभालने के लिए ताकत रखेंगे। किसी भी बिजनेस के अंदर जब ऐसी समस्या आती है तो आपको सोचना पड़ता है कि फर्स्ट हम किसको प्रेफरेंस दें। फर्स्ट प्रेफरेंस है कि मुझे सर्विस देनी। सर्विस क्या देनी? ऑफिस लाइव रखना, उनकी सैलरी देनी, होस्टिंग लाइव रखना, उनकी सैलरी देनी, और उसके हिसाब के बाद में जो बचता है फिर वो डेवलपमेंट के लिए कॉस्टिंग करनी। जब मैंने ATC कॉइन सेल किए तो व्हाइट पेपर था कि इतना परसेंट मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा डेवलपमेंट के लिए, इतना परसेंट इन्वेस्टमेंट होगा हमारा टेक्निकल टीम के ऊपर, इतना परसेंट इन्वेस्टमेंट होगा एक्सचेंज लिस्टेड कराने के ऊपर, इतना परसेंट इन्वेस्टमेंट होगा दूसरी अदर चीज के लिए। लेकिन जो फंड मैंने कलेक्ट किया वो फंड ब्लॉक हो गया, उसके बावजूद भी मैं इस पोजिशन पे हूँ कि मैं कंटिन्यू कोशिश कर रहा हूँ कि सर्विस दे सकूँ। तो सो आई थिंक अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैं फाइट कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं वर्किंग कर रहा हूँ। तो बिना फंड के वर्किंग करना एक दो महीने चलता है, डेढ़ डेढ़ दो दो साल तक खींचना चलाना बहुत मुश्किल है, फिर भी मेरी हिम्मत है, आप सब लोगों का मुझे सपोर्ट है, साहस है, तो मैं कर रहा हूँ। तो सो आई थिंक मेरी बात का आपको जवाब मिल गया होगा। तो चिराग भाई सो आई थिंक हितेश भाई कह रहे हैं कि ATC को आपने गिराया है।
हितेश भाई, कोई भी अपने बच्चे को बड़ा करता है, छोटा नहीं करता है, तो शायद ऐसी बात ना करें। फिर भी आपका अधिकार है, आप जो मर्जी कह सकते हैं उस चीज के लिए। एसपी भाई कह रहे हैं, सर जी मार्जिन ट्रेडिंग ना क्लियर करो कि केटला कॉइन आपसे केटला एक्सचेंज मिनी एपीआई से। एसपी भाई, मार्जिन ट्रेडिंग क्या है मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, कि मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा जो हमने वर्कआउट किया है। कि फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट के अंदर 0.1 BTC पड़ा हुआ है और आप कितना भी कॉइन परचेज कर सकते हैं, आपका जो 0.1 BTC के हिसाब से आपने कॉइन किया हुआ है उतना आप बाई कर सकते हैं। मीन्स जो भी डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस आपके अकाउंट में बचा हुआ है उतने कॉइन आपके माइनस होते चले जाएंगे। मीन्स आपने 2 लाख कॉइन परचेज किए हैं, कोई भी कॉइन, फॉर एग्जाम्पल ATC कॉइन आपने बिड लगाया है, तो आपके पास में अगर वो मार्केट डाउन जाती है तो उतने कॉइन माइनस हो जाएंगे, अप जाती है तो वो आपके अप हो जाएंगे। तो मार्जिन ट्रेडिंग का फंडा मैं आपको वीकेंड में एक्सप्लेन करूंगा, और ये वर्ल्ड का पहला एक्सचेंज होगा जिसमें इस तरह की मार्जिन ट्रेडिंग होगी। एक्चुअल में जबरदस्त मार्केटिंग मार्केट मार्केट ट्रेडिंग का ये कॉन्सेप्ट रहेगा जो मार्जिन ट्रेडिंग का है। तो वीकेंड तक आप वेट कीजिएगा, बहुत अच्छी पोजिशन पे आएगा। सो आई थिंक कंप्लीट सॉल्यूशन है। मेरी टीम मुझसे बहुत घर बेच, देखो मैं लोगों का घर खरीदवाता हूँ, कभी बिकवाता नहीं। तो अगर आपकी कोई समस्या है किसी भी, कभी एक्चुअल में उसमें हुआ क्या है कि जो अपलाइन है वो सपोर्ट नहीं कर पा रही लोगों को, और मैं कहता भी नहीं उनसे, क्योंकि मैंने कॉल सेंटर, मैंने सपोर्ट सेंटर सब कुछ तैयार किया हुआ है, सब कुछ वर्किंग में है। मेरे कस्टमर्स के लिए मैं सपोर्ट दे रहा हूँ, अपलाइन सपोर्ट करे या ना करे किसी भी कारण से, और मैं वर्किंग कर रहा हूँ किसी पूरी तरीके से। तो आप जो भी है हमारे कॉल सेंटर में कॉल करें, पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी। क्रिप्टो इनबॉक्स मनी बोल रहे हैं कि सर अरिस्टो को लाटो कूपन पे लेकर आइए। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि जितने भी फंड हैं हमारे ब्लॉक पड़े हुए हैं और हम एक्स्ट्रा फंड मैनेज करते हैं, बोरो करते हैं बाहर से, और बोरो करने के बाद में उस फंड को हम डेवलपमेंट में लगाते हैं जो हम चल रहा है। क्योंकि मुझे मालूम है आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा फ्यूचर है, उसकी वजह से मुझे पूरा विश्वास है कि हम अच्छी तरीके से काम आएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि जब एक नया उजाला आता है तो अंधेरे से गुजरना पड़ता है, और ये हमारे लिए आने वाला जो उजाला है उससे पहले थोड़ा अंधेरा है, और धीरे धीरे हम बहुत आगे अच्छी पोजिशन पे आएंगे। सो आई थिंक हितेश भाई कह रहे हैं सब वेस्ट है। हितेश भाई देखो, जिंदगी के अंदर मैं वेस्ट तो, आप वेस्ट कह रहे हैं, बट एक्सपेक्टेशन सबकी होती है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब जैसे मैंने बताया था, वर्किंग करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, और काफी चीज ऐसी हैं कि जिसमें मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ, बट आज वक्त है, आप कह सकते हैं सब वेस्ट है, बट कल ये कहेंगे कि नहीं, सुभाष भाई ने जो कहा था वो सही कहा था, और मैं तो उसी होप पे जीता हूँ। और मैं कभी, कोई भी मुझे गाली दे, मुझे कोई भी कमेंट्स करे किसी भी तरीके से करे, आज मेरा आप सब लोग, क्योंकि मैं उस चीज को, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बता दिया कि मेरे फंड ब्लॉक हैं, सेकेंडली उसके बावजूद भी वर्क कर रहा हूँ और अच्छी तरीके से वर्क कर रहा हूँ जितना मेरी कोशिश हो सकती है। तो आप कहेंगे तो मैं सुन लूंगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कम्युनिटी के लिए सुनना। अगर पर्सनली आप मुझसे कहेंगे तो मैं शायद नहीं सुन पाऊँ, लेकिन मैं इस कम्युनिटी के लिए, इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्रीज के लिए सुनने के लिए तैयार हूँ। आप जो मर्जी मुझे बोल सकते हैं। एसपी भाई साहब कहते हैं, एसपी जी कैसे हैं, कि मार्जिन ट्रेडिंग हम जानते हैं, सिर्फ बताओ कि कितने कॉइन में होगी। और एसपी भाई, सारे कॉइन के अंदर मार्जिन ट्रेडिंग होगी, जितने भी कॉइन हैं वो सब में मार्जिन ट्रेडिंग अवेलेबल होगी। ऐसा नहीं है कि एक कॉइन के अंदर मार्जिन ट्रेडिंग, सारे कॉइन के अंदर मार्जिन ट्रेडिंग होगी। देवेंद्र जामके, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एयर ड्रॉप के कॉइन नहीं मिले हैं। देवेंद्र जी, बेसिकली 100% कंप्लीट नहीं हो पाया था, और जिन जिन लोगों को बाकी रह गया है हम दोबारा से रन करेंगे उस चीज को।
एयर ड्रॉप सबको मिलेगा, जो एक महीने की टाइम पीरियड था उसको हमने इंक्रीज कर दिया, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रखी है, क्योंकि हमने उस डेट को कैलकुलेट किया जिस डेट से हमने एयर ड्रॉप चालू किए हैं, तो सबको एयर ड्रॉप मिलेगा, टाइम लिमिट कुछ नहीं है, बट धीरे धीरे वर्किंग चल रही है उसके ऊपर। कंप्लीट ट्रेवल सॉल्यूशन जी कह रहे हैं कि आपसे कहाँ मुलाकात होती है, आप आ सकते हैं मुंबई ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेके और आप मुलाकात मुंबई ऑफिस हो जाएगी। जलापति तिवारी जी कह रहे हैं आपकी उम्र बढ़ती रहे, एटीसी चलता रहेगा, ये विश्वास है। थैंक यू, थैंक्स लॉट। मैं आज समझ सकता हूँ कि मुझे कम्युनिटी कितना प्यार करती है और किस तरीके से आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है इस चीज़ के लिए कि आप सब लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, और मैं ये 100% आप लोगों को कह दूँ कि आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुँचने दूंगा। जिस दिन आपको ये महसूस होगा कि इस तरीके से सुभाष ने किया है, शायद वो वक्त नहीं आने दूंगा आप सब लोगों के सामने अच्छे ही पोजिशन पे, क्योंकि जितना मैंने कहा है कि उतना मैं करूँगा और उससे अच्छा ही करूँगा, तो शायद आप मुझे विश्वास करते हैं। ये बहुत बड़ी आप सब लोगों का बड़प्पन है, आप सब लोग इतना महत्व देते हैं। एसपी सर कह रहे हैं कि किस एक्सचेंज की एपीआई कनेक्ट करेंगे। एसपी जी जो बाइनेंस की है, बाइनेंस की है ऑलरेडी कनेक्ट हो चुकी है, चार पांच जो टॉप के एक्सचेंज है उनकी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, अभी उसके ऊपर वर्किंग चल रहा है। अभी मैं कह नहीं सकता हूं कब तक हम लोग डिलीवर करेंगे, बट जितने भी टॉप एक्सचेंज है उनकी एपीआई कनेक्ट होगी इसके साथ में। अमित सिंह जी कह रहे हैं आई बिलीव, अमित सिंह जी बहुत थैंक यू, थैंक्स अलॉट ट्रस्ट करने के लिए। वीरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि एटीसी पर विश्वास है, थैंक यू, थैंक्स अलॉट विजेंद्र जी। सो आई थिंक आप सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और आज थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया, क्योंकि कभी कभी कहते हैं कि अपनों के सामने आना, अपने सामने से बात करना, आप सब लोगों का विश्वास इतना है, इतना धीरे धीरे सारी चीज़ स्मूथ हो रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आने वाले समय में आप देखेंगे काफ़ी चीज़ इस वीकेंड तक आपको मिलेंगी, और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग उसका इंजॉय करें। बट मेरा एक मानना है कि सिर्फ बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूँ कि मैं किसी के विश्वास को ठेस नहीं पहुँचने दूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।